ओम शांति। हर एक बात में हमें दो ऑप्शन रहते हैं, हाँ या ना, जाऊं या नहीं जाऊं, ये बात करूं या नहीं करूं। हर बात में मुझे सही ऑप्शन चुनना होता है और वही सही ऑप्शन मुझे सफलता, समाधान, खुशी देता है। वैसे ही सोचो, छोटी बात को सोच सोच कर बड़ा बनाना या बड़ी बात को छोटा बनाना, ये तो हमारे ऊपर है। यहां भी मुझे ऑप्शन है, चॉइस है। किसी बात से परेशान होना या फिर अपनी शान में रहना, ये भी मुझे चॉइस है। क्या होगा, कैसे होगा, मेरी तकदीर ही ऐसी है, ये सोचना या फिर जो हुआ उसे स्वीकार कर इसमें भी कुछ न कुछ कल्याण समाया है ये सोचना, इसकी भी मुझे चॉइस है। अगर मैंने चूज किया ना, निश्चय से कहा ना, जो हुआ वो कल्याण के लिए हुआ, ये निश्चय भी बुरे को भी अच्छे में बदल देगा, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है अभी, क्योंकि अभी समय चल रहा है कर्मिक अकाउंट सेटल होने का। अभी हम सबके सामने, हम सबके जिंदगी में बहुत सारे पेपर्स आएंगे, बहुत सारी परीक्षाएं आएंगी, कई सारी परिस्थितियां आएंगी, कई परिस्थितियां अच्छे रूप में आएंगी, कई बातें अच्छा रूप होते भी उनका बाहर का जो रूप होगा वो नुकसान का होगा, हार्मफुल होगा, जिसको हम कहते हैं अरे ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, मालूम है वो अच्छा नहीं था। लेकिन अगर दिमाग के अंदर ये बात है, तुम्हारे हर नुकसान के पर्दे के पीछे कुछ न कुछ फायदा छिपा हुआ है, तो वो फायदा कौन सा, वो मुझे ढूंढना है। चलो अभी हम देखते हैं, बीमार हो जाते हैं, आजकल मेजॉरिटी वो चल रहा है, बीमारी के कारण आइसोलेशन में रहना है, बीमार हुए अच्छा नहीं हुआ, ऊपर का पर्दा अच्छा नहीं था, लेकिन इस पर्दे के पीछे जो था वो अच्छा क्या है, उसको सकारात्मक ले तो, एकांत का समय मिला, स्वचिंतन करने का समय मिला, सेल्फ रियलाइजेशन करने का समय मिला, स्व के साथ बातें करना, फ्रेंड्स रिलेटिव्स इनके साथ बातें करना, उसका समय मिला, कुछ लिख सकते हो, कुछ ड्रॉ कर सकते हो, कुछ पेंट कर सकते हो, कुछ म्यूजिक आप सीख सकते हो, यस यू कैन क्रिएट समथिंग। अपनी हेल्थ का ध्यान अच्छा कैसे रखना है, इसका इंपॉर्टेंस मालूम पड़ा, तो बाहर का पर्दा तो नुकसान का दिखाई दिया, लेकिन थोड़ा सा धैर्यवत होकर, सहनशील होकर, अंतर्मुख होकर देखो तो इसमें भी क्या दिखाई देगी, अच्छाई दिखाई देगी। तो बस आज से हर एक परिस्थिति में सिर्फ अच्छाई ढूंढनी है तो बुरा भी अच्छे में बदल जाएगा, बुरा भी अच्छे में बदल जाएगा। हैप्पी डे।